कोटा एमबीएस और जेके लोन अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर डर के साए में रहने को मजबूर है, क्योंकि जिस हॉस्टल में वो रहते हैं वो कभी भी गिर सकता है। इस हॉस्टल में 150 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर रहते हैं, लेकिन लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर खतरे में हैं। दरअसल हॉस्टल की बिल्डिंग कई साल पुरानी है, जिसके पिलर तक टूट चुके हैं और दरारें नजर आती है। हॉस्टल में प्रवेश करने वाली जगह पर तो बेहद गंदगी फैली है। इतना ही नहीं, हॉस्टल के अंदर रूम तक सुअर आ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लाइट की है। तार खुले में पड़े हैं, जिसमें हमेशा ही करंट का खतरा रहता है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। हॉस्टल में मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि हमने कई बार विभाग को इस बारे में बताया है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पर महिला रेजिडेंट डॉक्टर भी रहती है, लेकिन रोड पर लाइट्स नहीं होने से यहाँ हर वक्त अंधेरा रहता है। समस्याएं हुई हैं, और ये समस्याएं अभी नहीं है, काफ़ी टाइम से यही समस्या है। लाइट है, लाइट के जो खुले तार हैं, अब जैसे हम अंदर जाते हैं बाहर आते हैं तो लाइट बिल्कुल हमारे से 1 फीट ऊपर, कभी भी हादसा हो सकता है। दूसरा, पानी का भी लाइट से है, लाइट गई तो पानी भी चला जाता है। स्टोरेज का ऐसा कुछ नहीं है कि हम सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उसको यूज कर सकें। देखो, पहले तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि बारिश के टाइम पे सारे के सारे ऊपर से प्लास्टिक गिरता था, किसी भी रेजिडेंट के ऊपर गिर जाए, कल कोई हादसा हो जाए। पानी की व्यवस्था ऐसा है कि चलो ये तो वाटर कूलर लगा रखा है पानी के लिए। हॉस्टल में मॉर्निंग के अंदर कई बार पानी नहीं आता। लाइटों की समस्या है, बार बार बिजली कट हो जाती है। हम फ़ोन करते रहते हैं, ये बोलते हैं कि हम करा रहे हैं, अब करा रहे हैं इसको। आपके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्थाएँ अभी ठीक नहीं है, थोड़ी लाइट की व्यवस्था नहीं है। बारिश के टाइम तो अस्पताल में और हॉस्टल का हालत बहुत ख़राब हो जाती है, पानी टपकने लगता है। इस पर थोड़ा काम करना चाहिए, हो सके तो अपने सबको सुविधा हो जाए। कितना खतरा रहता है? खतरा तो है, स्पेशली जब रात को जब अपन आते हैं तो पता नहीं चलता, तो उस टाइम ज़्यादा खतरा है, तो उसके लिए कुछ करा जाए तो।